नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग तो दोस्तों तारीख है सत्रह जनवरी 2024 और यहां पे अट्ठारह जनवरी 2024 के लिए थ्री स्टार सेक्शन में तीन स्टॉक्स सेलेक्ट कर लिया है तीनों ही स्टॉक्स के सिलेक्शन रीजन साथ ही बाइंग और सेलिंग लेवल की भी चर्चा करूंगा अगर आप मेरे उन लेवल पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलामसा जरूर कर लें क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी तो चलिए शुरुआत करता हूँ डिस्क्लेमर के साथ और सबसे पहला स्टॉक्स की तरफ बढ़ेंगे तो टाटा कंज्यूमर टाटा कंज्यूमर का सिलेक्शन रीजन समझते हैं सबसे पहले तो देखिए आप इस ट्रेन लाइन को आप देख ही रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस ट्रेन लाइन का सपोर्ट पे चल रहा है और भी पीछे चलेंगे तो आप देखेंगे कि इसी ट्रेन लाइन का लास्ट टाइम भी एक अच्छा सपोर्ट लिया था यहाँ से और यहाँ से ये यह बाउंस किया था तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसी ट्रेन लाइन पर ये बार बार सपोर्ट ले रहा है और वहीं से आके बाउंस भी कर जा रहा है हर बार इसी ट्रेन लाइन को सपोर्ट लेता है और आज भी देखें तो एक गिरावट के बावजूद भी उसी ट्रेन लाइन के पास में आके दो बार होल्ड किया गिरा बना लिया है ना? तो इस एक सेलिंग का एरिया बनता है तो पहले मैं सेल का ही लेवल करूँ कि इसके नीचे मैं बेचना पसंद करूंगा जब वो ट्रेन लाइन तोड़ देगा तो सेल करेंगे टाटा कंज्यूमर को ग्यारह सो बयालीस रुपए के अः ग्यारह सो तैतीस रुपए के नीचे सॉरी सेल बिलो डबल वन डबल थ्री ग्यारह सो के नीचे बेचना पसंद करूंगा और स्टॉप लॉस ग्यारह सो चालीस का लेके चलेंगे और इस कंडीशन में जो टारगेट होगा पहला वो ग्यारह सो डबल वन टू सिक्स दूसरा टारगेट ग्यारह सो उन्नीस ट्रिपल वन नाइन और तीसरा टारगेट ग्यारह सो बारह रुपए का होगा ट्रिपल ट्रिपल वन टू का ट्रिपल वन टू यानी कि एक हजार एक सौ बारह रुपए का और अगर ये यहाँ से बाउंस करता है यानी कि ऊपर के साइड में जाता है मान लीजिए सपोर्ट लिया हुआ है ट्रेन लाइन का और यहाँ से ये ऊपर के साइड में बाउंस कर जाता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी बनता है यहाँ से बहुत बढ़िया तरीके से तो मैं खरीदना पसंद करूंगा इस एरिया के ऊपर तो बाइंग का जो लेवल निकलेगा वो ग्यारह रुपए के ऊपर निकलेगा से बाईव डबल वन फोर टू जो स्टॉप लॉस लेके चलूंगा वो ग्यारह सौ पैंतीस रुपये का डबल वन थ्री फाइव का और जो टारगेट होगा पहला वो ग्यारह सौ उनचास डबल वन फोर नाइन दूसरा टारगेट ग्यारह सौ छप्पन

फाइनल टारगेट होगा बाय साइड में 1163 का चलते हैं सेकेंड स्टॉक की तरफ में और सेकेंड स्टॉक का नाम मैं आपके सामने लेकर आ जाता हूं जल्दी से उसका नाम है एक्सिस बैंक देखिए एक्सिस बैंक को भी देखेंगे मार्केट बहुत ही गिरावट में रहा आज और एक्सिस बैंक भी उसमें पार्टिसिपेट किया लेकिन उसी तरह से पहली कैंडल के लो के पास में आज आकर रुक गया है

और टारगेट होगा एक हजार छियानवे रुपए डबल वन जीरो नाइन सिक्स का दूसरा टारगेट होगा एक हजार एक सौ तीन रुपए का डबल वन जीरो एक हजार एक सौ दस रुपए का ट्रिपल वन जीरो अगर सेलिंग करना है तो उस सपोर्ट एरिया जो मल्टीपल सपोर्ट एरिया वो टूट जाने पर सेल करेंगे तो सेल करेंगे एक हजार सतहत्तर के नीचे सेल बिलो डबल वन जीरो डबल सेवन जो स्टॉप लेके चलेंगे एक हजार चौरासी एट फोर का और जो टारगेट होगा पहला वो एक हजार सत्तर डबल वन सेवन जीरो दूसरा टारगेट एक हजार तिरसठ डबल वन सिक्स थ्री और तीसरा टारगेट एक हजार छप्पन वन फाइव सिक्स का दोस्तों ट्रेड नहीं करना है हमेशा अपने टेलिंग का यूज़ ज़रूर करना है और फर्स्ट टारगेट के पास भी तो जरूर फिफ्टी टू सेवेंटी परसेंट क्वान्टिटी को बुक करना चाहिए बाकी का स्टॉप लॉस टेल करना चाहिए चले तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ और उसका बहुत ही बढ़िया स्टॉक है उस स्टॉक का नाम है बिरला सॉफ्ट देखिए आईटी सेक्टर जबरदस्त मूवमेंट में रहा है आईटी सेक्टर तो ये सॉफ्ट के चार्ट पे आपको लेकर आता हूँ और आप पंद्रह मिनट के चार्ट पे देख रहे हैं कि बिरला सॉफ्ट जो है एक डबल टॉप जैसा पैटर्न आप देख रहे हैं यहाँ पर तीन बार कहें तो ट्रिपल टॉप हो गया अदरवाइज एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी बोल सकते हैं इस तरह से ब्रेक सस्टेन कर रहा है राउंडिंग बॉटम पैटर्न पे और साथ ही ट्रिपल टॉप पैटर्न भी कह सकते हैं पंद्रह मिनट के चार्ट पे तो अगर इस पैटर्न के ऊपर में निकलता है तो मेरी एक बाइंग गिनती होती है आठ सौ छह रुपए के ऊपर स्टॉप लॉस आठ सौ रुपए का रहेगा जो टारगेट होगा इस कंडीशन में आठ सौ बारह रुपए एट हंड्रेड ट्वेल्व दूसरा एट हंड्रेड एटीन आठ सौ अठारह तीसरा एट हंड्रेड ट्वेंटी फोर आठ सौ चौबीस रुपए का लेकिन अगर ये गिरावट आ जाता है सेल करना पसंद करूंगा गिरावट तोड़ दे की तरफ में तो सेल करेंगे सात सौ चौरानवे रुपए के नीचे सेल बिलो 794, जो रहेगा सात सौ निन्यानवे नहीं करिएगा देखिए अगर करते हैं तो किस तरह से मार्केट वॉलेटाइल होता है एक ही बार में कैपिटल हो जाता है तो ये तीनों ही स्टॉक के सिलेक्शन रीजन और बाइंग सेलिंग लेवल का चर्चा मैंने आपके साथ किया है कोई बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है अगर आप ट्रेड करते हैं तो जरूर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलामसा करके ट्रेड करें आपके लाभ अनुसार की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में तब तो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद